हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 5वें का तीसरा है ना। और इसके आगे के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको चैनल के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, x की घात 3 धन 13, x की घात 2 धन 32, x धन 20। और यह प्रश्न था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। गुणनखंड ज्ञात करना है, हमें एक बहुपद दे रखा है और यह हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको आ गया होगा यदि आपने पहले के क्वेश्चन देखे होंगे तो। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यहाँ x की वैल्यू क्या रख सकते हैं। हम x की वैल्यू जो है ±1 ±2 ±3 आदि आदि रखकर देख सकते हैं। और हम शुरू करते हैं प्लस एक से, है ना। x बराबर एक रख के देखते हैं बच्चों पहले कि क्या, x बराबर एक रखेंगे तो इस बहुपद की वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि 0 आ जाएगी तो वह x बराबर एक मतलब क्या हो बच्चों, x ऋण एक, है ना। x ऋण एक इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम अगली संख्या रख के देखेंगे। तो चलो करते हैं, x = 1 मतलब x ऋण 1 रख के देख रहे हैं हम। तो बहुपद है x³ 3 धन 13, x²² 2 धन 32, x²² 20, है ना। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें वो संख्या चाहिए या x की वो वैल्यू चाहिए जिसमें कि इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा, है ना। जिससे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। यदि 0 आ जाएगा तो x धन 1 या x ऋण 1 जो जिससे भी इसका मान 0 आएगा वह इस बहुपद का गुणनखंड होगा। हमें इसका एक गुणनखंड निकालना है और उस गुणनखंड से फिर हम इस बहुपद को भाग लगाएंगे। फिर जो भागफल आएगा उसके हम और गुणनखंड निकाल लेंगे, जिससे कि हमें इस बहुपद के गुणनखंड सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरी विधि है। तो इसमें 2-3 प्रोसेस करनी पड़ती बच्चों। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि x ऋण 1 है या x धन 1 है या इस बहुपद का गुणनखंड एक कौन सा है, पहले वो निकालेंगे। तो चलो निकालते हम। हमने रखा पहले x ऋण एक मतलब x = 1 रखना हमें। तो हमें रख देते हैं 1³ 3 धन 13, x के स्थान पर 1³ 2 धन 32, x के स्थान पर 1 धन 20, है ना बच्चों। ये हमने रख दिया है। तो 1³ मतलब हुआ 1, है ना। धन 13, 1² भी मतलब हुआ 1, ठीक है। 1 का 1 में 2 बार गुणा, धन 32 में 1 का गुणा करा तो 32 आया, धन 20 हो गया। अब 1 धन 13 एकम 13 धन 32 धन 20, है ना बच्चों। तो ये पूरे जोड़ लगा देंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर नहीं आ रही, मतलब ये जो है x ऋण 1 जो है बहुपद का गुणनखंड नहीं है, है ना। अब हम रखते हैं x धन 1 रख के देख लेते। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ऋण का 1, है ना। ऋण का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण का 1 इसकी वैल्यू रख के देख लेते बच्चों। तो सीधे रख देते हम, बहुपद वो रहा ऊपर, है ना। बहुपद जो है x³ के स्थान पर ऋण 1³ धन 13, x² के स्थान पर ऋण 1² धन 32 ऋण 1 धन 20, ठीक है। हमने ऋण 1 वाला मान रख दिया है। ऋण 1³ मतलब क्या हुआ बच्चों, हम 2-3 बार कर चुके हैं ऋण 1 में 3 बार गुणा। तो ऋण का ऋण में करेंगे तो धन, धन का ऋण में करेंगे तो ऋण हो जाएगा। ऋण 1 आएगा यहाँ पे, धन 13, ऋण 1² मतलब ऋण 1 में 2 बार गुणा, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन का हो जाएगा, मतलब 1 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चों। 1 हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा हो गया तो 1 हो गया। धन 32 का ऋण 1 में करा तो 32 आया, लेकिन ये कैसे आएंगे बच्चों, ऋण के आएंगे यहाँ पे, है ना। ऋण के 32 आएंगे, धन के 20, है ना। धन ऋण ऋण होना था, यहाँ पे 32 आया, ठीक है। अब ऋण का 1 धन 13 का 1 में करा तो 13 ऋण 32 धन 20, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ऋण ऋण के ये 2 है और धन धन के, इनको जोड़ लेते हैं। 20 और 13 हो गए 33, है ना। 33 धन के हो गए और ऋण के हो गए 33, ठीक है। ऋण के 33 हो गए तो धन के 32 से ऋण के 33 कट जाएंगे। इसका मतलब है कि ये सही है। x धन 1 मतलब x का जो ऋण 1 है इसकी वैल्यू है ना। x धन 1 इसका गुणनखंड है, गुणनखंड
है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x धन एक से इस बहुपद को भाग लगाएंगे। तो अब हम x धन एक से इस बहुपद को भाग लगाएंगे, तो चलो बच्चों भाग लगाते हैं। तो पहला पद देखो, x की घात 3 है यहाँ पर, यहाँ पर x है, तो हम किस संख्या का गुणा करेंगे कि यहाँ x की घात 3 आ जाएगी। तो देखो बच्चों, x में x की घात 2 का गुणा कर देंगे तो x की घात 3 हो जाएगी, है ना। x की घात 2 और 1 इसकी गुणा में घाते जुड़ती है, गुणा में घाते जुड़ती है, तो 2 और 1 3 हो जाएगी। तो ये हो गया x की घात 3। फिर x की वर्ग या x की घात 2 का 1 में भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x का वर्ग ही आएगा। तो यहाँ पे धन x का वर्ग हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके चिन्हों को बदल देते हैं। धन का है तो ऋण का, ये धन का है तो ऋण का हो गया, ये धन और ऋण का आपस में कट जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या बचा, 13x का वर्ग ऋण x का वर्ग, मतलब 13x के वर्ग में से 1x का वर्ग निकल गया, तो कितना आया, 12x का वर्ग, और कैसा होगा, ये धन का होगा, है ना, बड़ी संख्या धन की है। धन ऊपर से उतार लिया हमने, 32x ऊपर से उतार लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे, अब हमें फिर भाग लगाना है, यहाँ 12x का वर्ग चाहिए हमें ना, 12x का वर्ग चाहिए, तो x में किस संख्या का गुणा कर देंगे कि हमें 12x का वर्ग आ जाएगा। तो 1x तो है ही सही, तो हम 12x का गुणा कर देंगे, है ना, 12x का गुणा x में करा तो 12x का वर्ग हो जाएगा। तो ये कर दिया हमने, 12x का वर्ग आ गया है। अब 12x का 1 में गुणा करेंगे तो 12x ही आएंगे, है ना, तो ये हो गया 12x, ठीक है बच्चों, 12x आ गया। अब हम क्या करते हैं, घटाने के लिए पहले इसके चिन्हों को बदल देंगे, धन का है तो ऋण का, है धन का है तो ऋण का। अब इस धन से ये ऋण का 12x का वर्ग कट जाएंगे, अब यहाँ बचे 32x ऋण 12x, तो 32x में से 12x कम हो गए, तो कितने बचे, ये बच गए हैं 20x, है ना, और कौन से होंगे, धन के होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या धन की है, 20x बचे, और ऊपर से उतार लिया हमने 20, ठीक है, ऊपर से उतार लिया 20। अब हमें यहाँ क्या चाहिए बच्चों, 20x चाहिए, तो हम x में किसका गुणा करेंगे कि 20x आ जाए, 20 का कर देंगे, है ना, धन के 20 का गुणा करेंगे तो 20x आ जाएगा। ये हो गया 20x, और 20 का 1 में भी गुणा करना पड़ेगा, तो धन का 20 आ गया। अब हम घटाएंगे तो इसके चिन्हों को, ये धन है तो ऋण का और ये ऋण का, ये धन और ऋण कट गए, ये धन और ऋण भी कट गए, तो 0 आ गया, है ना। तो हमें एक जो इसका जो भागफल प्राप्त हुआ बच्चों, अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, x का वर्ग धन 12x धन 20। अब हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना, और इस तरह की संख्याओं के गुणनखंड निकालना हमें आता, हम उसी विधि से निकालेंगे कि बीच वाली संख्या को दो ऐसी संख्याओं में डिवाइड करेंगे, है ना, कैसे कि जिनका जोड़ करेंगे, है ना, जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x आना चाहिए, है ना, और गुणा करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 20x का वर्ग चाहिए हमें, है ना, 20x का वर्ग हमें जोड़ करने पे 12 आ जाए ऐसी संख्या चाहिए, गुणा करने पे 20 आ जाए ऐसी संख्या चाहिए, है ना। तो कौन सी हो सकती है, 5 × 20 नहीं, है ना, और 12 चाहिए हमें जोड़ करने पे, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, सोचो बच्चों आप, 10 × 2 = 12, है ना, 10 × 2 = 12 होते हैं, और 10 × 2 = 20 भी होता, हाँ ये हो सकती है, ऐसा सोचना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 10 और 2 हो सकती है, और धन के चाहिए, है ना, तो धन मतलब 10 और 2 जुड़ेंगे, और यहाँ पे भी धन के हैं, तो 10 में 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो बच्चों, x का वर्ग धन 10x धन 2x धन 20, है ना, इसको दो संख्या में डिवाइड कर दिया हमने 12x को, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, x को कॉमन ले लिया, है ना, तो क्या बच्चा यहाँ पे, x धन x चला गया, तो यहाँ बच्चा 10, ठीक है, यहाँ क्या ले सकते हैं हम, ये 20 है ना बच्चों, यहाँ 2 ले लो कॉमन, है ना, तो 2 × 2 = 1, 2 × 2 = 20 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, है 2 कॉमन ले लिया बच्चों हमने, तो यहाँ बच्चा x, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 20 है ना, 20 में से तो 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 से इसको काट देंगे, 2 × 1 = 10 बच्चा, है ना, क्या बचेगा बच्चों, 10 बचेगा, है ना, क्योंकि फिर वापस जैसे इसका गुणा करेंगे 2 का इस संख्या में, तो 2 का x में करा तो 2x, 2 का 10 में करा तो 20, ठीक है, इस तरह से 20 आता है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ 10 लिखा हमने, ठीक है, तो ये 10x हो गया, तो यहाँ पे हो गया x धन 10 और यहाँ हो गया x धन 2, ठीक है, x धन 10 और x धन 2, और एक तो हमें पता ही है, एक तो हमें पता ही कि x धन 1 है, तो यह x धन 1, x धन 10 और x धन 2 इस बहुपद के गुणनखंड
बहुपद के गुणनखंड है, ठीक है, यह बहुपद के गुणनखंड है।